श्री 1008 दिगंबर कुशाल भारती जी के चतुर्मास में 7 वर्षीय बाल विदुंशी कथावाचक हिमांशी लोहार ने दूसरे दिन नानी बाई के माहिरे कथा से सभी का मन मोह कर मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा के दूसरे दिन बाल विदुंशी हिमांशी ने कथा के माध्यम से बताया कि नरसी जी के प्रार्थना करने पर ठाकुर जी हुंडी स्वीकार करते हैं, साथ ही रुक्मणी जी के कहने पर ठाकुर जी नरसी जी की परीक्षा लेते हैं। किस प्रकार से नानी बाई ठाकुर जी को भाई बनाती है और नानी बाई बेटी का रिश्ता होने पर नरसी जी को पत्रिका मायरे के लिए भेजती है। आयोजकों ने बताया कि कल कथा का समाप्ति के बाद नानी बाई का मायरा भरने ठाकुर जी स्वयं पधारेंगे। इस दौरान आयोजक मंडल के सदस्य विधि विधान के साथ शामिल होंगे और मायरा भरेंगे। बहुत बड़ा सीट है। बोले ये सब आपके गुड़ी में, बोले नहीं, बोले किसके, बोले ये नरसी जी के गुड़ी में। और जैसे ही ठाकुर जी ने हुंडी स्वीकारी और इधर नरसी जी के सामने से फूल आकर गिर जाता है, मूर्ति में से फूल आकर के गिर जाता है। नरसी जी समझ गए जी। मैं गांव बोरखेड़ी से आई हूं और मैं कथा जय किशोरी की एक दिन सुन रही थी, तो मैंने भी मेरे बुआसा को बोला मुझे भी सीख ली। फिर मेरे बुआसा ने मुझे सिखाया और मेरी पहली कथा नहीं हो रही थी, तो मैंने हट श्याम के यहां मैं पैदल यात्रा गई थी। जावत से नीमच नरेश गई थी, तो 2 जनवरी को मेरी कथा हुई थी। और पहली 2 जनवरी 2023 को मेरी कथा हुई थी पहली, और वो कथा मेरी मेरे गुरुजी के यहाँ हुई थी। मेरे गुरुजी का नाम है महंत श्री हरिओम गिरी जी महाराज। मैंने जय किशोरी की एक दिन सुन रही थी, तो मैंने भी मेरे बुआसों से कहा। मैं आगे शिव पुराण की तैयारी कर रही हूँ और मुझे भी जय किशोरी जैसा बनना है। हाँ? सब मुझसे अच्छी बात करते हैं। जैसे नरसी जी की हुंडी स्वीकारी थी ठाकुर जी ने, और नानी बाई के भाई कैसे बने थे ठाकुर जी, ये सब प्रसंग बताते हैं। क्या क्या मायरे की मांग करी थी और कैसे नरसी जी पे लाछन लगाया गया था और फिर नरसी जी ने केदार का राग गाया। चतुर्मास में पधारिएगा, आप सभी से निवेदन है।